उज्जैन इंदौर के व्यापारी ने झांसे में लेकर सूरत के व्यापारी से मिलाने के नाम उज्जैन की होटल में युवती को ले आया और उसके साथ शिप्रा रेजिडेंसी में दुष्कर्म किया है। आरोपी उसे कपड़े के बिजनेस में मोटा लाभ देने के बहाने लाया था। नीलगंगा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इंदौर के नंदानगा में रहने वाली 22 वर्षीय युवती कपड़े का धंधा करती है। वह जूनी इंदौर में रहने वाले कपड़ा व्यवसायी नरेश बालेचा से माल खरीदती थी। अपना धंधा बढ़ाने को लेकर उसकी नरेश से बात हुई, जिस पर उसने युवती को कहा कि सूरत के व्यापारी दोस्त महाकाल दर्शन करने उज्जैन आ रहा है। उसी व्यापारी से मिलाने के बहाने शनिवार शाम माधव क्लब रोड स्थित शिप्रा रेजिडेंसी युवती को बुलाया। यहां युवती के साथ बालेचा ने दुष्कर्म कर दिया। पीड़िता जैसे तैसे निकली आए और मां को बुलाकर नीलगंगा थाने पहुंची। घटना सामने आते ही पुलिस ने केस दर्ज कर बालेचा को हिरासत में ले लिया। पीड़िता बेटी की उम्र की। आरोपी ने टीआई तरुण कुरील ने बताया कि पीड़िता द्वारा लेडीज गारमेंट का माल खरीदने की बात पर उसने सूरत के व्यापारी दोस्त से मिलाने का झांसा दिया। शनिवार को बताया कि उसका दोस्त परिवार के साथ महाकाल दर्शन करने पहुंचा है। बालेचा ने दुष्कर्म कर दिया। पुलिस बालेचा को सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी। थाने पर एक युवती अपने परिजनों के साथ उपस्थित हुई थी। इंदौर की युवती है और कपड़े का व्यापार करती, उसकी रेडीमेड की दुकान है। तो उसने यहाँ रिपोर्ट की थी कि जो इंदौर में ही एक थोक का व्यापारी है जो जिससे वो कपड़े लिया करती थी अपनी दुकान पर बेचने के लिए। उस व्यापारी ने बताया था कि उसका एक सूरत का दोस्त है जो उज्जैन आने वाला है, तो वो उससे लेडीज़ वेयर वगैरह जो है सस्ते दामों में दिलवा देगा। तो वो युवती उस थोक विक्रेता के साथ यहाँ पे आ गई उज्जैन में। तो यहाँ पर उज्जैन में शिप्रा रेसिडेंसी होटल में उस युवक ने पहले ही रूम ले रखा था। वहाँ पे उस रूम में ले जाके युवती के साथ बलात्कार किया। हाँ, उक्त आरोपी को हमने अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और उसको शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्तुत करके हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, ये भी बताया था कि महाकाल दर्शन के लिए कुछ व्यापारी आए हैं परिवार से। हाँ, वो उसने युवती को यही झांसा दिया था कि उसका जो सूरत वाला दोस्त है उसके परिवार सहित यहाँ आया है, तो यहाँ वो दर्शन करने के लिए आया है महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे वो मिल भी ले और जो भी व्यापार संबंधी चर्चा है वो कर ले। लेकिन वो उसकी पूरी बातें जो झूठी थी वो झांसा देकर उस युवती को यहाँ लाया था।